नाम जप से बहुत फायदा होता है। किसी भी एक नाम को पकड़ लो, सतत 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 जप करते रहो, खूब जप करो, भाग्य परिवर्तित हो जाता है, प्रारब्ध बदल जाता है। हम कितना समय ऐसे ही गंवा देते हैं चर्चा बातों में, टीवी देखने में, सीरियल देखने में, इसकी उसकी चर्चा करने में। जिस दिन हमको ये लग जाए कि हमें अपने कल्याण के लिए इतना जप तो करना ही है, मुझे बताओ कितने लोगों ने गुरु मंत्र लिया है? सभी ने, ठीक है। उसके बाद कितने लोगों ने उस गुरु मंत्र के 200,000 जप किए हैं? कितने लोगों ने? 200,000, 400,000, 500,000? आपकी सांसें 500,000 से ज्यादा हो गई है, पता है ना? पता है ना, सांसें ऐसे ही जाती है, व्यर्थ व्यर्थ। जब आप काम कर रहे हैं तब आप काम करिए, उस क्रिया को भगवत अर्पण करके भगवान की याद बनाए रखिए। और जब आप फ्री बैठे हैं, सांसें यूं ही जा रही है, तो उसको भी काम में लगाइए, उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट लीजिए। बेनिफिट के लिए करते हैं आप, ठीक है, कोई ना कोई काम बेनिफिट के लिए करते हैं। सांसें व्यर्थ जा रही है, उसका क्या बेनिफिट है? बस जी रहे हैं, जैसे पशु पक्षी निकाल रहे हैं शरीर अपना, आप भी निकाल रहे हो। फ्री बैठो तो या तो परमात्मा के गुणों का विचार करो, या श्वासोश्वास में भगवान नाम का जप करो। आप जो प्रसन्नता को पाएंगे, अगर आपने किया है ईमानदारी से, बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी, बहुत सकारात्मक ऊर्जा के धनी बन जाएंगे आप। हम नहीं कहते दुखद स्थितियां नहीं आएगी, दुखद स्थितियां विचलित नहीं करेगी, सब अपनी जगह पर है, पर आपकी अविचलता अपनी जगह पर बनी रहेगी। तो उसे श्वासोश्वास में जप करो, गाड़ी में बैठे, बस में बैठे, कार में बैठे, ट्रेन से आ रहे, क्या काम है वहाँ? कुछ काम नहीं, फिर फोनों में मोबाइलों में सारी देर काम करो, मना नहीं, काम की जगह पर काम होना चाहिए। फिर फालतू फेसबुक इंस्टाग्राम ये वो, समय शक्ति बर्बाद होने के कितने सारे साधन हैं, उसको थोड़ा नियंत्रित करो। श्वासोश्वास का जप करो, श्वासोश्वास में नहीं लग सकता मन, लिखो जप, लिखो जप, लिखो। श्वास भीतर जाता है राम, बाहर आता है राम, भीतर जाता है राम, बाहर आता है ओम, भीतर जाता है कृष्ण। किस किस विग्रह में आपको रुचि है, उस एक नाम को पकड़ लो, बहुत मंगल होगा, आपका भला होगा। काम करिए, काम की जगह पर काम करिए, देने की जगह पर पीछे मत हटिए, सहयोग की अपेक्षा हो वहां जरूरत से ज्यादा सहयोग कर दीजिए, अभावग्रस्तों का सेवा कर दीजिए, बच्चों को पालिए, मना नहीं है, फिर भी आपके पास बहुत सारा समय है। स्वास्थ्य जा रही है फालतू, कितनी सारी चली जाती है। कॉन्शियस जो व्यक्ति होता है ना, मेरा एक रुपया भी कहीं नहीं जाना चाहिए, वो सतत आदमी लोभी को चिंतन होता है, मैं यहाँ से निकालूं वहाँ डालूं, वहाँ से निकालूं वहाँ डालूं। करते हैं शेयर मार्केट में, नहीं करते क्या? करते हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट का काम किया होगा उसे पता होगा, दिन भर यहाँ बैठा होगा ना तो भी खोपड़ी चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं फलाना वाला शेयर बढ़ गया, मेरा निकालना रह गया, सत्संग के चक्कर में निकालूंगा नहीं, इससे चल बाहर बैठता हूँ, मैसेज आया फटाफट बोल दूंगा, डील कर दे। होता है कि नहीं होता ऐसा? है ना, होता है। तो ऐसा कॉन्शियस आदमी कि मेरा व्यर्थ जा रहा है पैसा, कहीं लगाऊं दो पैसा कमाऊं, पर ये जा रही है, ये है तो पैसा है, ये नहीं तो पैसा नहीं, तो सबसे ज्यादा कीमती क्या है? क्या? सास, सास कीमती। उन सांसों को हम कितनी कितनी जगहों पर व्यर्थ जाने देते हैं, बकवास में, बातों करने में, इधर उधर, कॉन्शियस नहीं। कॉन्शियस होना तो फटाफट आदमी हंसेगा भी, बोलेगा भी, खेलेगा भी, पर उसे बार बार याद आता रहेगा कि मुझे थोड़ी भी शांति मिली और मुझे डूबना है।
थोड़े भी वक्त मिला मुझे श्वासोश्वास नहीं, ऐसे हम कॉन्शियस नहीं। कॉन्शियस बने रहे जब तक 100 सारे साधनों का सार, सारे साधनों का मूल है, होश में रहिए, कॉन्शियस रहिए। बहुत सारी जा रही, ऐसे ही जा रही, ऐसे जितनी देर यहां बैठे हो सफल है, फिर जाओगे, फिर बातें इसकी उसकी इसकी उसकी, ठीक है। जिस आदमी को कल मरना है, अगर मैं आपसे कहूं आपकी मौत कल होने वाली है, तो आप क्या करोगे? क्या क्या करोगे आप? समय का पड़ोसी के पास जाओगे, तेरी सास ने क्या कहा, सास ने धक्का मारा था उस दिन, आज कैसी है, जेठानी इतना बोल रही थी, ससुर इतना बोला, कुछ हुआ, फिर क्या हुआ, उसकी पंचायत कूटने जाओगे क्या? क्या करोगे आप? क्या बताओ, सोच के देखो, अगर कल मरने वाले हैं तो क्या करेंगे? जरूरी काम निपटाओगे ना, जरूरी, किसी को देना हुआ, किसी को लेना हुआ, कहीं बच्चों को सिक्योर करना हुआ, फटाफट फटाफट बैंक अकाउंट खुलवा दो, फटाफट फटाफट LIC के एजेंट को बुलवा लो, मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरे बच्चों को मिलता रहे कुछ ना कुछ, ये व्यवस्था कर दो। यही करोगे और कुछ करोगे? जरूरी काम निपटाओगे। आपका जन्म यहाँ कौन से जरूरी काम के लिए हुआ है? कौन से जरूरी काम के लिए हुआ है? कुछ पता है आपको कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए आप यहाँ आए हो और इंसान बन के आए? गधा, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली बनकर नहीं आए, इंसान बनकर आए हो। किस जरूरी काम के लिए? पैसा कमाना, पैसा 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 कमाने के लिए आए? रिश्ते बनाने के लिए आए? किस लिए आए? अविरत अविचल प्रेम आनंद की प्राप्ति के लिए आए हो, ठीक है ना, सतत आनंद में रहने के लिए आए हो, सतत प्रीति के लिए आए हो, सुख के लिए आए हो, और जरूरी काम अपने आप को जानने के लिए आए हो, ठीक है, ठीक है ना। फिर वो जरूरी काम कब निपटेगा आपको तो पता ही नहीं, आप 4 साल हो कि 4 दिन हो। जो इंसान कल मरने वाला है वो अपने जगत के सारे काम आज निपटाएगा, पर जिस जरूरी काम के लिए हम आए हैं वो जरूरी काम को हम कल पर छोड़ के आज हम जगत के काम निपटा रहे, वो कहाँ की बुद्धिमानी है? यहीं तो हम मार खाते हैं, कॉन्शियस नहीं है हम। काम करने की मनाही नहीं, मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं है कि आप कर्तव्य छोड़ दो, आप क्रिया छोड़ दो, मेरा केवल इतना है बेहोशी छोड़ दो, होश में आओ। समय मिला नहीं, आप भीतर डूबे नहीं, ऐसा होना चाहिए। समय मिला नहीं, आप ईश्वर का चिंतन आया नहीं, ये अभ्यास होना चाहिए। आप ये अभ्यास के धनी हो गए ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल नहीं भागा कर सकेगी, भगवान आपके पीछे घूमेगा, आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो जाएगा। करके देखो, कॉन्शियस, बेहोशी ठीक नहीं है, बस होश में आना चाहिए। समय मिले श्वासोश्वास, समय मिले जप लिखो, समय मिले ईश्वर का चिंतन करो, समय मिले परमात्मा के गुणानुवाद करो, ईश्वर अनंत है, सुहृद है, करुणाशील है, करुणा वरुणाल है, आनंद दाता है, परम प्रेमास्पद है, प्रीति का देने वाला है, क्षमा का सागर है। आपको सुनकर भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो जीवन का उद्देश्य है। हम दिन भर देखते फलाना आदमी बहुत बुरा, फलाना आदमी बहुत बुरा, उसने मुझे ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे किया, इतनी नकारात्मकता में क्या पड़ा है? मैं कैसा भी हूं, मेरे ईश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, करुणा वरुणालय, करुणा सिंधु, क्षमा का सागर है, मुझे चला रहा है, मुझे चला रहा है। आपके पास समय का सदुपयोग करने की कला है, पर जब हम होश में हो तब बात बने।
बेहोशी के सारे काम पागलपन का शिकार होते हैं होश में। और ये आप साधक हो इसीलिए कहते हैं, साधक नहीं होते तो किसी से कोई अपेक्षा नहीं, फिर तुम सब चल रहे हैं, आप भी चल रहे हो। साधक है, होश में आना जरूरी।